नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो खेलों का महाकुंभ यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हो चुका है। तो अब हम लोगों के लिए ये एक जिम्मेदारी है और तैयारी करने का एक विषय है कि यहाँ से पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो है सवालों का विश्लेषण करें कि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कहाँ और किस तरीके के सवाल बन सकते हैं और उन सभी फैक्ट और फिगर्स को आपके सामने लाना ताकि परीक्षा में आप लोगों की दावेदारी और आपके हाथ को जो है मजबूत किया जाना संभव हो सके। तो हम एक एक करके उन बिंदुओं को जो है यहाँ पर विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को पॉइंट आउट करना और आपके सामने प्रस्तुत करना। तो हम सबसे पहले तो इस पे आधारित उन बिंदुओं को जो है निर्धारित करेंगे जिन पे हम आप लोगों के साथ जो है चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हम एक सामान्य परिचय को यहां पर कवर करेंगे। दूसरा यहां पे पदक की कुछ विशेषताएं होती हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुभंकर से हमेशा से ही जो है सवाल पूछा जाता रहा है तो हम लोग शुभंकर को थोड़ा सा देखेंगे, मसाल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इसी तरीके से प्रारंभ खेल एवं प्रतियोगिताएं, खेल एवं प्रतियोगिताएं, इसके बाद हम भारतीय संदर्भ को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि भारत से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रगति रही है यहाँ पे उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। विभिन्न खेलों में महिलाओं का प्रदर्शन, हॉकी इत्यादि के क्षेत्र में जो भी उलट फेर रहे हैं वहाँ पे भी इस तरीके की चीजें जो है देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो भारतीय संदर्भ दिवस एवं दर्शक, दिवस एवं दर्शक, इन सभी बिंदुओं को हम लोग यहां पर देखेंगे और इसके माध्यम से यहां से संबंधित जितने भी सवाल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बन सकते हैं उसका हम लोग विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि टोक्यो ओलंपिक 2020, ये तब नाम इसका 2020 है परंतु ये आयोजित हो रहा है 2021 में। उसके पीछे का कारण जो है भी क्लियर है कि कोविड-19 के कारण से ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के समक्ष एक संकट था और उस संकट के कारण से जो है जान और संस्कृति को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसी स्थिति में खेल को पोस्टपोन किया गया और आने वाले समय में जबकि परिस्थितियां इसके पक्ष में थी तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और जापान सरकार ने मिलकर के इस पर निर्णय लिया कि इस खेल का आयोजन किया जा सकता है और खेल जो है 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 के बीच संपन्न हुआ। तो ये यहाँ पर एक बात और भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के साथ साथ इसके पूर्व में जो है 3 बार जापान में इस खेल का आयोजन पहले भी किया जा चुका है। 1964, 1972 और 1988 इन 3 वर्षों में यह खेल पहले ही आयोजित हो चुका है, अर्थात यह जो है चौथी बार था जब इस खेल का आयोजन जापान में संपन्न हुआ है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पूर्व में विभिन्न देशों में जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं वहां पर इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं तो इस बार जापान में हुआ है तो जापान को लेकर के इस तरीके के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि यह जो है इसके पूर्व में यहाँ पे कितनी बार आयोजन किया जा चुका है या इसको अगर जोड़ करके देखता है कि किस नंबर का था तो ये जो है चौथी बार जो यहाँ पे इस खेल का आयोजन जापान में किया गया है। तो ये एक सामान्य परिचय था जिसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इसके पूर्व में जो है 3 बार एक सवाल ये भी पूछ सकता है और ये चौथी बार था ये भी एक सवाल पूछ सकता है। इसके साथ हम पदक पर देखेंगे, ये 2021 जुलाई 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में भले ही संपन्न हुआ लेकिन इसके पदक पर 2020 ही अंकित है, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पदक जो है पुराने
फोन और पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस से मिल करके जो है बनाया गया है। ये इसका मटेरियलिस्टिक अगर देखा जाए कि वो किस तरीके से बनाया गया, उसमें क्या मैटर और क्या जो है पदार्थ यूज किए गए हैं, तो ये चीज ध्यान में आप लोगों को रखना होगा कि ये जो है पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और फोन के माध्यम से बनाया गया है। और पदक के जो है पिछले वाले हिस्से पर टोक्यो ओलंपिक का लोगो और आगे फ्रंट वाले साइड पर जो है नाइक लिखा हुआ है, नाइक लिखा हुआ है। नाइक का क्या मतलब होता है? नाइक लिखा हुआ है। नाइक का क्या मतलब भाई? नाइक का मतलब वही नाइक की स्पेलिंग आप तो जूतों में भी देखते हैं, और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ब्रांड होते हैं वो इसी तरीके से बहुत ऊंची किस्म के नामों को अंकित करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर नाइक इसके सामने वाले पार्ट पर लिखा हुआ है। नाइक का मतलब विजय का भाव होता है, जो कि ओलंपिक के रूप में अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर एक ऐसा महाकुंभ है जहां पर व्यक्ति के लिए उसकी क्षमता, उसकी गुणवत्ता, उसकी परख को जो है सर्वोत्तम स्तर पर आंकने का काम किया जाता है, जो कि ओलंपिक के रूप में मेडल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो आपने जो है देख लिया कि इसके पदक पर 2020 ही अंकित किया गया, पिछले भाग पर जो है टोक्यो ओलंपिक का लोगो और सामने वाले भाग पर नाइक लिखा हुआ है, और नाइक का मतलब होता है विजय का भाव, और नाइक जो है वो ग्रीस गॉडेस हैं, यानी कि वहाँ की एक देवी हैं जिनके लिए नाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्थिति रही यहाँ के पदक के बारे में। अब हम इसके शुभंकर पर चर्चा करते हैं। इसके शुभंकर का नाम जो है मिराई तोवा, इसके शुभंकर का नाम मिराई तोवा और सोमाइटी, मिराई तोवा और सोमाइटी है, मिराई तोवा और सोमाइटी है, मिराई तोवा। यहां पर यह सवाल परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो यहां से भी आप लोगों के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि इसका शुभंकर क्या है। इसका शुभंकर मिराई तोवा है। मिराई तोवा का क्या अर्थ होता है? मिराई तोवा का अर्थ है भविष्य और अनंत काल, भविष्य प्लस जो है अनंत काल, यानी कि अनंत भविष्य में अनंत काल तक। ये जो है आपको पहले से जानकारी है कि इसमें पांच छल्लों से युक्त जो है, पांच छल्लों से युक्त एक आकृति को इसके लोगों के रूप में ओलंपिक का जाना जाता है। और ये जो है इसी तरीके से बताता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी दुनिया के जो है खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं, उसी तरीके से ये भविष्य में अनंत काल तक की बात को स्वीकार करता है, जो कि मिराई तोवा का शाब्दिक अर्थ होता है, और यही इसका जो है शुभंकर है, जो कि परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इसका शुभंकर क्या है। मिराई तोवा है, भविष्य और अनंत काल तक। अब हम जो है आगे देखते हैं इसके मसाल के बारे में, थोड़ा सा मसाल के बारे में थोड़ा सा हम समझ इसमें विकसित करने का प्रयास करते हैं कि मसाल जो यहाँ पे जलाने की प्रथा जो शुरू हुई थी, मसाल को जलाने की जो प्रथा शुरू हुई थी, यह 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था, और 1936 ईस्वी में बर्लिन। ये ऐसे फैक्ट हैं जो केवल टोक्यो ओलंपिक के लिए ही नहीं, बल्कि आपके भविष्य के लिए जितनी भी परीक्षाएं जब भी ओलंपिक होंगे वो वहां से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स आपके सामने बनेंगे, यहां से सवाल पूछे ही पूछे जा सकते हैं जिसको आपको तैयारी करना है। तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मसाल जलाने की प्रथा प्रारंभ हुई है। अभी इस बार के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक से यहाँ पे मसाल जलाने की और मसाल रिले, यानी कि मसाल को लेकर के चलने की बात को कही गई है, जो कि बर्लिन गेम्स ओलंपिक गेम्स से जो है प्रारंभ किया गया, जो कि 1936 ईस्वी में आयोजित की गई है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और इस बार का मसाल जो है वो इस बार का मसाल यूनान के ओलंपिया नामक स्थान पर प्रसिद्ध हेरा मंदिर से स्थल से जो है ये जलाया गया, और इसका भ्रमण पूरी दुनिया में होता है, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इसे 25 मार्च को मेजबान देश यानी कि जापान को सुपुर्द कर दिया गया, और 25 मार्च से लेकर के यह 23 जुलाई के उस प्रारंभिक जो है कार्यक्रम तक,
यहाँ से 23 जुलाई से ही आपका ओलंपिक प्रारंभ होता है, तो 25 जो है मार्च से लेकर के 23 जुलाई के बीच में वहाँ पर रहा और 23 जुलाई को ये कार्यक्रम के समाप्त प्रारंभ होने तक ये जो है चलता रहा। तो ये जो है कहानी रही जो है मशाल के बारे में, जो ना केवल इस ओलंपिक से संबंधित चीज़ों को बताता है बल्कि इसके पूर्व की कुछ कहानियों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करता है, जो कि आपके आने वाले विभिन्न प्रकार के जो है ओलंपिक के साथ ये जो हमेशा आता रहेगा। तो ये रही जो है मशाल के बारे में जो है कहानी। प्रारंभ के बारे में हम लोग देखते हैं, प्रारंभ जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया, प्रारंभ के बारे में आप लोगों को बताया भी गया कि इसका प्रारंभ जो है वो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में संपन्न हो गया खेल। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में यह खेल जो है संपन्न हो गया। इसमें जो है 24 जुलाई को पहला जो है पदक, पहला पदक जो है समारोह, यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यद्यपि यह जो है 23 जुलाई को कार्यक्रम प्रारंभ हुआ किंतु 21 से पूर्व दो दिन पूर्व ही जो है 21 जुलाई से ही जो है यहां पर सॉफ्ट बॉल की प्रतियोगिताएं जो है प्रारंभ हो चुकी थी। तो ये रही जो है इसके प्रारंभ और उस टाइम पीरियड की बात जिसमें जो है इस ओलंपिक खेल को जो है आयोजित किया गया जापान के टोक्यो शहर में, मूल रूप से उसका वही नाम आता है। अलग अलग जगहों पर भी जो है इसके खेल आयोजित किए गए लेकिन ये टोक्यो के नाम से जो है यहाँ पे संपन्न होता है। इस टोक्यो ओलंपिक में 33 खेलों, टोक्यो ओलंपिक में 33 खेलों के 349 पदकों के लिए विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा अपने भाग्य को आजमाने का काम किया गया। 33 खेलों के 349 पदकों के लिए यहाँ पे जो है प्रयास जारी रखा गया। तो ये थी जो खेल एवं प्रतियोगिताओं की जो सूचना। अब हम जो है ये सामान्य चर्चा करने के बाद जो है भारतीय संदर्भ में इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ से सवाल परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं। यहाँ पे क्लास का जो टारगेट है वो बेसिकली ओलंपिक के बारे में एक सामान्य समझ विकसित करने के साथ साथ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करना है। तो भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स बनता है वो 7 पदकों की कहानी रही है कि भारत की तरफ से इस ओलंपिक में शुरू से लेकर के अंत तक जो है 7 पदक प्राप्त किए गए। इसमें जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर सहित जो है 4 कांस्य पदक, यानी कि 7 पदक प्राप्त करके जो है ये पदक तालिका में जो है वो 48वें स्थान पर बना रहा, यानी कि इसका क्या स्थान रहा, 48वां स्थान जो है पदक तालिका में रहा। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक के साथ ये जो है पदक तालिका में 48वें स्थान पर बना रहा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स ये भी देख लेना जरूरी है कि इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन से देश रहे, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो आपका USA है और यहाँ पे चाइना है और जापान है। तो USA, चाइना और जापान ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर पदक तालिका में अपना स्थान बनाने में जो सफल रहे, जबकि भारत वहीं पर 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित जो है 7 पदकों के साथ जो पदक तालिका में जो है 48वें स्थान पर रहा है। ये सवाल भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको भी ध्यान में रखना आप लोगों के लिए आवश्यक है। अब यद्यपि आप लोगों के नाम पर यह रटा हुआ है कि कौन कौन से खिलाड़ी भारत की तरफ से उस प्रतियोगिता में जो है अपनी सफलता के झंडा गाड़े हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक एक करके थोड़ा सा विश्लेषित करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत की तरफ से सात खिलाड़ियों ने यहाँ पर जो है पदक तालिका में अपना स्थान बनाया। यहाँ पर मीराबाई चानू दूसरे स्थान पर हैं, पीवी सिंधु मीराबाई चानू को जो है भारोत्तोलन का मतलब हो गया वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में, वहीं पर पीवी सिंधु को बैडमिंटन के क्षेत्र में
लवलीना बोरगोहन को बॉक्सिंग के क्षेत्र में रवि दहिया इन्हें जो है कुश्ती फ्री स्टाइल रेसलिंग के क्षेत्र में पांचवें स्थान पर बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया को भी जो कुश्ती के क्षेत्र में, यहाँ पे एक सवाल ये बन गया अपने आप में कि जो है कौन सा प्रतियोगिता है जहाँ जिस प्रतियोगिता से भारत में दो पदक प्राप्त हुए हैं, तो वो बनता है आपका कुश्ती। छठवां है टीम भारतीय जो है हॉकी टीम का मतलब यहाँ पे पुरुष टीम से है, भारतीय हॉकी टीम को जो है हॉकी के क्षेत्र में। और सातवें स्थान पर जो है नीरज चोपड़ा भारत की तरफ से, भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो के क्षेत्र में जो है अपने देश का नाम रोशन किया। और यहाँ पर जो है इनसे उम्मीद भी थी और इन्होंने उसको बखूबी निभाया और इस खेल में जो है भारत के लिए एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई सालों में अगर हम तालिका में भारत के स्थान को देखें और भारत के पदकों की संख्या को देखें, तो इस बार का खेल बहुत ही महत्वपूर्ण था, जहाँ पर एक दो और चार यानी कि कुल सात पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पे रहा है। और ये जो है सूची रही है उन पदकों और उन लोगों तथा उन खिलाड़ियों की जिन्होंने जो है इस खेल में अपने देश का नाम जो रोशन किया और वहाँ से अलग अलग खेलों में जो है प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो है वो पदक प्राप्त किया। मीराबाई चानू मणिपुर पूर्वोत्तर का एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत राज्य, जहाँ पर उन्होंने भारोत्तोलन के क्षेत्र में रजत पदक प्राप्त किया। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के क्षेत्र में कांस्य पदक, लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग के क्षेत्र में कांस्य पदक, रवि दहिया कुश्ती के क्षेत्र में रजत पदक, बजरंग पुनिया कुश्ती के क्षेत्र में कांस्य पदक, भारतीय हॉकी टीम ये हॉकी के क्षेत्र में कांस्य पदक, वहीं पर नीरज चोपड़ा को भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो की प्रतियोगिता में गोल्ड। तो कुल मिलाकर के जो है स्वर्ण पदक के साथ एक स्वर्ण पदक, दो रजत पदक और चार कांस्य पदक सहित जो है भारत पूरी पदक तालिका में सात पदकों के साथ जो है 48वें स्थान पे रहा, जो कि भारत के लिए ये अगर देखा जाए तो विकास की दृष्टिकोण से, प्रगति की दृष्टिकोण से, पिछले कई जो है खेल प्रतियोगिताओं की दृष्टि से यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन माना जा सकता है। तो ये रही कुल मिलाकर के भारतीय संदर्भ यहाँ पर रहा है। और अब दूसरे स्थान पर हम लोग देखेंगे कि दिवस यौन प्रतियोगिताएँ, दूसरे स्थान पर हम देखेंगे इसमें दिवस यौन प्रतियोगिताएं। दिवस का तात्पर्य जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस से है, जो कि 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, चूंकि ओलंपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस सवाल को समझ लेना आवश्यक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक ओलंपिक के आयोजन को देखें तो 1896 ईस्वी में जो इसका आयोजन किया गया, पहला ये जो पहला ओलंपिक था वो यूनान में जो है एथेंस में जो है आयोजित किया गया था, पहला जो है एथेंस में आयोजित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो लुसानी स्विट्जरलैंड में है। इसके पूर्व में हमने हॉकी के भारत के जो है हॉकी के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन के कारण से एक और जो है वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, जिसमें न केवल ओलंपिक में भारत के हॉकी बल्कि हॉकी के क्षेत्र में भारत का जो भी अभी तक प्रदर्शन रहा है, जैसा कि 8 गोल्ड मेडल इन्होंने अब तक प्राप्त किया हुआ है, 1 सिल्वर और 2 कांस्य पदक इस क्षेत्र में हॉकी के पुरुष टीम के द्वारा, जो कि भारतीय अगर भारत का जो है इस खेल प्रतियोगिता में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन रहा है। और ये 1980 तक इन्होंने प्राप्त किया था और यह पहली बार ऐसी प्रतियोगिता जो कि 40 वर्षों के बाद
1980 के बाद जो है इस प्रतियोगिता में भारत हॉकी के क्षेत्र में जो है पुनः जो है ओलंपिक में वापसी किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। तो एक लेक्चर पूर्व में भी बनाया जा चुका है और इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप उसके द्वारा और भी हॉकी के क्षेत्र में जानकारियों को जो है प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा के लिए अपनी जानकारी और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपनी जानकारी को पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ में जो है दर्शक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, दर्शक का तात्पर्य है कि इस बार जो है हम इस जो खेल प्रतियोगिता हुई ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में, यहाँ पे विदेशी जो है नागरिकों को या विदेशी जो है दर्शकों को सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें वर्चुअल यानी कि टीवी के माध्यम से जो देखने को मिला और जो भी स्थानीय दर्शक थे उन्हें अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें भी कोविड-19 के कड़े जो है प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षा प्रयोगी तथ्यों का जो है यहाँ पर विश्लेषण करने का प्रयास किया। इसे प्रारंभिक परीक्षा और विभिन्न प्रकार के वनडे परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसे आप जो है तैयारी करके बेहतर ढंग से जो है सही कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ में हम थोड़ा सा मुख्य परीक्षा में सवाल कैसे बन सकता है यहाँ से हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो भी सवाल पूछे जाए या टिप्पणी पूछी जाए तो उस पर आपका एक दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। क्योंकि अभी तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में वहाँ पर एक विचार व्यक्त किया जाता है और उस विचार को हम लोग जो है इसी में संक्षिप्त रूप में जो समझ लेते हैं। आगामी जो मुख्य परीक्षाएं चाहे वो पीसीएस का हो या इसी तरीके से यूपीएससी का हो, कहीं से भी जो है आपके मुख्य परीक्षा में यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं और उस चीज को देखा जाए, सवाल इस तरीके से आ सकते हैं आप लोगों के लिए कि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, अगर यही ये मतलब एक टिप्पणी पूछ सकता है ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, या इसी को ऐसे सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन में क्या बदलाव आया। तो बेसिकली ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पिछले कई वर्षों में अगर देखा जाए तो इस बार भारत के जो पदकों की संख्या भी वृद्धि हुई है, गोल्ड भी भारत ने जो प्राप्त किया है, तो इन सभी दृष्टिकोण से भारत का जो है ओलंपिक के क्षेत्र में जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं जो सकारात्मक बनता है। तो इसके लिए एक अप्रोच होना चाहिए और उस अप्रोच को हम विभिन्न प्रकार के टॉपिकों के क्रमागत जो है दृष्टिकोण के रूप में जो है अंकित कर सकते हैं। तो जैसे अगर यही मान के चलिए कि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन, अब इसमें हम एक सामान्य परिचय लिखेंगे सामान्य परिचय के बारे में, चूंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट के रूप में रही हैं उसको भी यहां पे थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया जाएगा, तो तथ्यात्मक चीजों को तो वो सामान्य परिचय में ही दिखा दिया जाएगा। उसके बाद जो है हॉकी को इसमें एक हेडिंग दिया जाएगा, क्योंकि हॉकी के क्षेत्र में पिछले कई बार से अगर देखा जाए तो इसमें काफी परिवर्तन आया है, महिलाओं का इसमें विशेष रूप से योगदान रहा है, और चूंकि भारतीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के साथ समान दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की प्रतियोगिताओं में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तो ये बात सिद्ध करती है कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है और निश्चित तौर पर उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए और सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर हर जगहों पे उन्हें समानता का दर्जा देना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाओं का भी यहाँ पे जो है जिक्र करना बहुत जरूरी है। और संपूर्ण उपलब्धि आप कह सकते हैं इसको, अब इसी में आप दिखाएंगे कि किस तरीके से पहले से परिवर्तन रहे हैं और अंत में जो है आप निष्कर्ष इसमें बताएंगे। ये जो है इसमें पॉइंट बनेंगे, इस तरीके के पॉइंट में आप जो है अपने उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे। अब आप सोचिए अगर टिप्पणी पूछता है तो 150 शब्दों में पूछ सकता है या 200 शब्दों में सामान्यतया पूछा जाता है, तो 200 शब्दों में पूछा जाता है और 5 पॉइंट है आपके सामने, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा शब्दों को लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। प्रत्येक जो है
टॉपिक से अगर 40-40 शब्द लिखते हैं तो आपका 200 शब्द पूरा हो जा सकता है, और 40 शब्दों को लिखना एक टॉपिक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ड्राफ्ट करने का जो एक उद्देश्य था बेसिकली केवल इसी प्रश्न को ही नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके संदर्भ में एक अप्रोच को विकसित करवाना है, ताकि आप जो है स्वयं इससे संबंधित सवालों को हल करने में सक्षम हो सके। तो ये रही बात जो है ओलंपिक में भारत का जो है प्रदर्शन, तो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन से सामान्य परिचय जैसे आप लिखेंगे हर प्रश्न का, उसी तरीके से इसमें भी लिखेंगे कि ओलंपिक जैसे सामान्य रूप में इसको आप प्रारंभ कर सकते हैं कि ओलंपिक निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर पर एक ऐसा खेलों का प्रदर्शन है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में देश के नाम को रेखांकित किया जाता है, और इसी संदर्भ में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन यहाँ पर जो है संपन्न किया गया, भारत की तरफ से इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। तो ये एक सामान्य परिचय यहाँ से इस तरीके से देंगे। उसके बाद हॉकी के क्षेत्र में, महिला के क्षेत्र में, ये तो तथ्यात्मक ही स्थिति है, विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे, संपूर्ण उपलब्धियों को बताएंगे, उसमें तुलना भी विभिन्न सालों से करके इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इस बार अच्छा प्रदर्शन इसमें रहा है, और अंत में निष्कर्ष ये चीज़ बताएंगे कि निष्कर्षता भारत ओलंपिक पदक तालिका में भले ही जो है 48वें स्थान पर रहा है, लेकिन पिछले कई वर्षों के प्रदर्शन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हम उत्तरोत्तर जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से केंद्र सरकार और विभिन्न प्रकार के राज्य सरकारों के द्वारा जो है इस पर ध्यान दिया जा रहा है, तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में ओलंपिक में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताओं में भारत देश का नाम जो है और पदक तालिका में इसका नाम जो है ऊपर उठता रहेगा। तो एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ आप जो लिखेंगे तो यहाँ से सवाल जो भी बन सकते हैं वो आप जो हल कर पाने में सफल होंगे। तो निबंध में भी अगर पूछा जाए, वैसे ज़्यादातर इस तरीके के सवाल जो है टिप्पणी या मेंस के किसी पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन अगर निबंध में पूछा जाता है तो इसी को और थोड़ा सा विस्तृत करके विश्लेषित करके आप अपने उत्तर को यहाँ पे बेहतर बना सकते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के संदर्भ में यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इस पर जो है चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के संदर्भ में यहाँ से जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपको एक बेहतर दृष्टिकोण विकसित हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।